आप सोचे कि ऐप के द्वारा अच्छा खासा पैसा फंसाते हैं तो अच्छा खासा इनकम आ जाएगा तो घर बना लेंगे, लेकिन आप तो बेघर हो गए। जी सर, बेघर हो गए सर। हम हार्दिक सिंह हो, बिंदास काबिया हो, एलबी से यादव हो, फुकरा इंसान हो, मिस्टर इंडियन हैकर हो, अमित भाई हो, एक्सप्रेंट टीवी हो, सब लोग वीडियो प्राइवेट करने, किसी का यूट्यूब वीडियो आपको नहीं मिलेगा। यानी ऐसा कहाँ से लाएँ 1 लाख रुपया? सर मेरा मम्मी का अकाउंट था, उसको हम ही मैनेज करते थे सर। तो मतलब एक दिन में सेविंग अकाउंट का 1 लाख ही लिमिट होता है, तो हम सारा पैसा मतलब 2-3 दिन में लगा दिए सर। लोग तो मिस्टर इंडियन हैकर को हमको गाली देने का मन कर रहा है सर। हम अभी मिले, हम उसको 1-2 झप्पड़ घींच के दें। उनका जब वीडियो हम अभी आप डाला है, हम नहीं देखें सर, उनको हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। हाई बॉक्स करके ऐप है जिसमें ये वर्क करते हैं, पैसा लगाते हैं लेकिन पैसा इनका डूब जाता है। अब बताइए, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं, विज्ञापन करते हैं, बताइए आप पढ़े लिखे इंसान हैं, कैसे इन सब चक्करों में फंस गए? सर हम मिस्टर इंडियन हैकर का बिग फैन थे सर, अमित भाई का, एक्सपेरिमेंट टीवी का, मतलब ये सब वीडियो हमको देखने का शौक था सर। जिन लोगों का पैसा लगा है, आज सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, अपना मेहनत से कमाइए, अपने दम पर कमाइए, किसी पर बिलीव नहीं कीजिए, किसी को यूट्यूबर पे बिलीव मत कीजिए। आपका बेटा, आप समझ सकते हैं कि 3 लाख रुपये कमाने में कितना मेहनत लगता है। बेचारा रोता है, परेशान है, बिलखता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि किसान का बेटा है जो 3 लाख रुपया सोशल मीडिया के जरिए डुबो देता, आखिर क्या कुछ होता है इनके साथ, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। इनका कहना है कि हाई बॉक्स करके एक ऐप है, उस ऐप में जाते हैं, क्या कुछ करते हैं जो 3 लाख रुपए इनका डूब जाता है। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार हुआ। कहाँ घर है आपका? सर मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में घर है। आपके साथ क्या हुआ है? सर हम मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो देख के हाई बॉक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड किए जी, और बड़े बड़े यूट्यूबर इसका वीडियो बनाए थे, मिस्टर इंडियन हैकर हो गया, भारती सिंह हो गया, निशी तिवारी हो गया, एलविस यादव हो गया, फुकरा इंसान हो गया, और सौरव जोशी हो गया, ये लोग वीडियो बनाए थे सर। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बनाए थे, इसको प्रमोट किए थे। तो हम इसको मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो देख के हम डाउनलोड किए थे, बाकी उन्हें नहीं बोल रहे हैं। मिस्टर इंडियन हैकर का आप चैनल पे देखें वीडियो, जिसके बाद आप इस ऐप को डाउनलोड किए, उसके बाद क्या हुआ? सर इसको डाउनलोड किए, उसमें मिस्ट्री बॉक्स करके एक मतलब आता है, अगर आपको मतलब मिस्ट्री बॉक्स बाय करना होता है, 300 से लेके 1 लाख तक मिस्ट्री बॉक्स आता है, तो 10 दिन तक 300 वाला मिस्ट्री बॉक्स चलेगा, उसके बाद 10 दिन के बाद मतलब मिस्ट्री बॉक्स 300 वाला गायब हो जाएगा, फिर 1000 से स्टार्ट हो जाता है मिस्ट्री बॉक्स। उसके बाद हम सोचे कि 1% मिलता है तो हम 1 लाख का मिस्ट्री बॉक्स बाय कर दिया, मेरा जो कि मम्मी सेविंग करके रखी हुई थी घर बनाने के लिए। मतलब 300 रुपये के बाद सीधे 1 लाख पर कैसे पहुंच गए? 10 दिन के बाद वो मिस्ट्री बॉक्स जो 300 वाला था ना, वो खत्म हो गया। आपको नहीं लगा कि 300 रुपये के सीधे 1 लाख रुपये जाना गलत है या सही है? तो हम सोचे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर लोग इसको प्रमोट किए हैं तो मतलब खत्म थोड़े हो जाएगा, ये फ्रॉड थोड़े ही है। अब क्या करते हैं? सर हम पढ़ाई करते हैं सर, मेरा बीएससी मतलब इसी साल कंप्लीट हुआ। पैसा कहाँ से लाएं 1 लाख रुपया? सर मेरा मम्मी का अकाउंट था, उसको हम ही मैनेज करते थे सर। तो मतलब एक दिन में सेविंग अकाउंट का 1 लाख ही लिमिट होता है, तो हम सारा पैसा मतलब 2-3 दिन में लगा दिए सर। 2-3 दिन 3 लाख रुपये लगा दिए सर। फिर आपको क्या मिला? सर मतलब 3 लाख हम लगा दिए, उसके बाद हम इसको विड्रॉ किए, तो विड्रोवल मतलब पेंडिंग चल गया, तो 25 तारीख को ये ऐप भाग गया और 15 तारीख को प्ले स्टोर से खत्म हो गया। आज ये मतलब इसका ऐप ओपन भी नहीं हो रहा। कब का बात है जो आपके साथ फ्रॉड हुआ, कब का बात है? ये फ्रॉड हुआ 25 तारीख को, बात है सर। 25 कब? ये 25 मतलब कि अभी अगस्त मतलब जुलाई सर, 25 जुलाई को ये कांड हुआ जी सर। उसका ऐप कब हट गया सोशल मीडिया से? ये 15 तारीख को खत्म, 15 अगस्त को खत्म हुआ। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़का फ्रॉड हो गया आपके पास, आप पैसा 3 लाख रुपया मम्मी का फंसा दिए हैं, और जैसा कि बता रहे थे बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा आपकी घर आपके पास नहीं है, उस घर के लिए आप पैसा रखे थे 3 लाख रुपया, अब बताइए माँ बाप क्या सोचेंगे आपके बारे में? सर मेरा उस टाइम जिस टाइम पैसा लगाए थे ना सर, उस टाइम माँ बाप नहीं जानते थे, हम मतलब चुपके से लगाए हुए थे। फिर हम मतलब जैसे ही ऐप भागा था, एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो हम सोशल मीडिया पर डाले तो वीडियो बहुत ज़्यादा पब्लिक वायरल हो गया, देख लिया पब्लिक लोग, और फिर मेरा फैमिली वाले को भी मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर लोग उसको वीडियो को डाल के मतलब प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए, हाई बॉक्स करके मतलब बहुत बड़े यूट्यूबर इसको प्रमोट करने लगे। उसके बाद सर मतलब मेरे फैमिली को मतलब किसी ने वीडियो भेजा, मम्मी देख ली, तो उसके बाद दुनिया में एक ही इंसान है सर माँ, वो आपको कभी कितना भी गलत रहिएगा तो आपको गलत नहीं बोलेंगे, चल बोले कि बेटा कोई बात नहीं मतलब बाद में कमा लेगा। माँ ऐसे बोली जी कि कुछ मत करो, ये होता है ना, बहुत सारे केस मैंने देखे हैं कि जब लड़का का पैसा डूबो जाता है 1 लाख रुपए तो सुसाइड कर लेता है, और आपकी मम्मी आपको सपोर्ट करिए, बड़ी बात है। जी जी सर, ये मतलब वही बोल रही है कि मतलब पापा तो बोल रहे हैं लेकिन मम्मी बोलते मतलब सब मम्मी मतलब माँ हमेशा आपको सपोर्ट ही करेगी, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कभी मतलब कितना भी गलत रहिएगा मतलब आपको माँ ही एक दुनिया में आपको हमेशा। अच्छा, आपको क्या चीज़ का लोभ आ गया जो आप इतना सोचे कि शॉर्टकट पैसा कमा लेते हैं 1 लाख रुपया? सर मतलब मेरे पास 3 लाख था, तो मतलब अपना नानी के घर में रहते थे, हम ये सोचते थे कि 3 लाख में आज के
घर थोड़ी बनता है, तो हम सोचे कि हम ज़्यादा मतलब पैसा कमा लेंगे, 5-6 लाख हो जाएगा, उसके बाद अपना मतलब घर बन जाएगा। मतलब आप सोचे कि ऐप के द्वारा अच्छा खासा पैसा फंसाते हैं तो अच्छा खासा इनकम आ जाएगा तो घर बना लेंगे, लेकिन आप तो बेघर हो गए। जी सर, बेघर हो गए सर। हम मतलब उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर बनाए थे तो गेमिंग ऐप रहा था उसमें लिखा हुआ था कि ये ऐप डाउनलोड नहीं करें, लत लग सकता, उसमें 100% मतलब आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, मतलब रीसेल वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। आज वो कंपनी भाग गई है, उसको मैं कस्टमर केयर से बात किए तो बोलते हैं हम सब लोग रिजाइन कर दिए, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या करेगा, क्या कहिएगा इन यूट्यूबरों को जो वीडियो बनाए, इस ऐप का प्रचार किए और लाखों रुपये आपका चला गया, उसको क्या कहिए? हम लोग तो मिस्टर इंडियन नेटवर्क को गाली देने का मन कर रहा है सर, अभी मिले हम उसको 1-2 झपड़ घींच के दें। उनका जब वीडियो हम अभी आप डाला है हम नहीं देखें सर, उनको हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जो लोग इनको वीडियो देख रहे हैं उनको ही बोल रहे हैं कि आप लोग इनसे बड़े बड़े यूट्यूबर से सावधान हो जाइए, और जिनका पैसा लगा हुआ बाहर आके बोलिए ऐसा पैसा नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि आपको आपका पैसा मिल पाएगा? सर हम पूरा कोशिश लगे हुए हैं सर, हम साइबर कंप्लेंट भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, देख सकते हैं हम साइबर कंप्लेंट भी किए, मतलब हम हर एक मतलब अपना मतलब लगे हुए सर कि मतलब कहीं से मेरा पैसा मिल जाए। कोई रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट नहीं आया सर, बस साइबर कंप्लेंट में कंप्लेंट किए तो बोले कि आपको कुछ भी होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको कॉल चल जाएगा, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। बताइए आप पढ़े लिखे इंसान है, कैसे इन सब चक्करों में फंस गए हैं? सर हम मिस्टर इंडियन हैकर का बिग फैन थे सर, अमित भाई का, एक एक्सपेरिमेंट टीवी का, मतलब ये सब वीडियो हमको देखने का शौक था। सौरभ जोशी का वीडियो नहीं देखते हम, क्योंकि हमको उसका वीडियो पसंद नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मतलब हो गया साइंस के रिलेटेड, इस सब वीडियो हमको देखने का पसंद मतलब शौक था, तो इसलिए उनको वीडियो देखते थे, उनको बिग फैन, हर एक वीडियो देखते हैं, हर एक वीडियो मतलब जैसी आता था हर एक वीडियो देखना स्टार्ट कर देते थे, कोई काम धंधा छोड़ के। आज मेरे वो बोलते हैं हमेशा टाइटेनियम आर्मी इतना बड़ा फैमिली बन गया, आज आपका टाइटेनियम आर्मी मतलब दिक्कत में है तो आपको तो हेल्प करना बनता है ना, लेकिन अब वो लोग साइड हट के वीडियो प्राइवेट कर लिए, वीडियो प्राइवेट कर लिया, वो जो स्पॉन्सरशिप लिए थे, जो वीडियो बनाए थे वो सब डिलीट कर दिया। भारती सिंह हो, बिंदास काबिया हो, एलबी यादव हो, फुकरा इंसान हो, मिस्टर इंडियन हैकर हो, अमित भाई हो, एक्सपेरिमेंट टीवी हो, सब लोग वीडियो प्राइवेट कर लिए, किसी का यूट्यूब वीडियो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि ऐप ही जब डिलीट हो गया सोशल मीडिया से तो उस सब ऐप को क्यों रखेंगे, जो प्रमोट किए क्यों रखेंगे, उसको भी डिलीट कर दिया, फंस गया तो कौन, आम आदमी, आम आदमी जिसका पैसा डूब गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से ये लड़का परेशान है, किसान का बेटा है, 3 लाख रुपया डुबो दिए हैं सोशल मीडिया के जरिए। हाई ऐप करके ऐप है ना, हाई बॉक्स करके ऐप है जिसमें ये वर्क करते हैं, पैसा लगाते हैं लेकिन पैसा इनका डूब जाता है। अब बताइए इतने बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियोस बनाते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं, विज्ञापन करते हैं और उसके बाद वीडियो को भी डिलीट कर देते हैं, आखिर लोग किस पे विश्वास करें? इतने बड़े चैनल है इंडियन हैकर, किस पे लोग विश्वास करें? 40 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, 40 मिलियन सब्सक्राइबर है और उसके बाद इस प्रकार से होता है तो लोग कैसे भरोसा करेगा? क्या कहिएगा वीडियो के एंड में जो लोग आपके तरफ, बहुत लोग फंसते होंगे जाल में, ठीक है, जो जैसे कि आप सोशल मीडिया पर तो अभी आ गए, कुछ लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग बताते ही नहीं है कि मेरा इज्जत का फलूदा उड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर खुल करके आए तो खुल करके बताइए जो भी बताना है। जी हम यही बोलना चाहते हैं, जिन लोग का पैसा लगा है आज वो सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, अपना मेहनत से कमाइए, अपने दम पर कमाइए, किसी पर बिलीव नहीं कीजिए, किसी को यूट्यूबर पर बिलीव मत कीजिए। आज मेरे साथ जैसा हुआ वैसे भी आपको साथ भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि सभी यूट्यूबर ही ऐसे हो सकते हैं, आप बोले किसी भी यूट्यूबर पर विश्वास नहीं कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप। हाँ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो फ्रॉड वाला जो ऐप है ना, मतलब उस वो लोग पर बिलीव नहीं कीजिए, ये बोलना चाहते हैं, अपने आप को खुद पे विश्वास कीजिए कि हम कुछ कर लेंगे, बस यही कहने का मतलब कि इस ऐप सब पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आए दिन बहुत सारे लड़के फंसते हैं। हाँ वो हमेशा फंस रहे हैं, जो लोग इसमें फंसते हैं वो लोग आके खुद के आके बाहर बोलिए तो ही पैसा मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला है, ऐसे जब तक आप लड़िएगा नहीं जब तक पैसा मिलेगा नहीं। अगर आपका पैसा नहीं मिलता तो क्या एक्शन लीजिएगा? सर हम जैसा होगा हम साइबर कंप्लेंट किए हुए हैं, पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, यूजन यूट्यूबर है उनको हम खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट करेंगे सर, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक छोटा सा लड़का हाइट में भी कम है और 3 लाख रुपये डूबो चुके हैं, क्या कहिएगा? सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर जब इस ऐप का प्रचार करते हैं, हाई बॉक्स ऐप है, आप लोग भी जाके सर्च कर सकते हैं, वैसे सोशल मीडिया से इस ऐप को हटा दिया गया है और 3 लाख रुपये इनका डूब गया। किसान का बेटा, आप समझ सकते हैं कि 3 लाख रुपये कमाने में कितना मेहनत लगता है, बेचारे रोता है, परेशान है, बिलखता है, माँ बोली कि फिर से तुम मेहनत करो, कुछ कर लोगे, बेचारा घर के लिए पैसा सोचा था कि घर के लिए कुछ पैसा आमदनी हो जाएगा, 6-7 लाख रुपया तो घर बना लूँगा, लेकिन देखिए आज बेघर हो गया है। बाकी इस वीडियो को आप लोग लगातार शेयर कीजिएगा और इस टाइप के ऐप पर भरोसा मत कीजिएगा कि पहले, क्योंकि पहले आप सर्च कर लीजिएगा, इसके बाद इस ऐप सब पे भरोसा कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ भी ये दुर्घटना हो सकता है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इनकी बातों को आप लोग कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।